झारखंड में रामनवमी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारी पूरे प्रदेश में जोरों शोरों से की जा रही है। इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में तो केंद्रीय बलों को लगाया जा रहा है। रांची व गिरिडीह में CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स RAF और जमशेदपुर, गिरिडीह, पलामू, लोहरदगा व दुमका जिले में एक एक कंपनी CRPF की तैनाती हुई है। वहीं आज रांची SSP किशोर कौशल के निर्देश पर CTSP के नेतृत्व में रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च फिरायलाल चौक से शुरू हुआ, जो सुजाता चौक तक चला। रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस सतर्क है। SSP के निर्देश पर फ्लैग मार्च के माध्यम से रांची पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रखने और पर्व को आपसी सौहार्द से मनाने की अपील की। पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए, रामनवमी के अवसर पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से तैयारी किया है। हम लोगों ने मैजिस्ट्रेट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जा रही हैं, की जा चुकी हैं इनफैक्ट, और ड्रोन कैमरे से भी हम लोग लगातार निगरानी रखेंगे। CCTV लाइट्स और बैरिकेड्स के एक्स्ट्रा प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जो रामनवमी समितियाँ हैं, जो महावीर मंडल समितियाँ हैं या विभिन्न अखाड़ाधारी हैं, उनके साथ लगातार बैठकें की गई हैं और उनसे भी आग्रह किया गया है कि किसी भी प्रकार से रूट का डायवर्जन ना हो, ये सभी लोग इंश्योर करें। जुलूस में लोग नशे की स्थिति में शामिल ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो भी नियम कानून हैं उनके हिसाब से ही संगीत बजाए जाएं। ऐसा संगीत बिल्कुल ना बजाया जाए जो सामाजिक समरसता को, विधि व्यवस्था को कहीं ना कहीं बाधित करता हो। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि उनके वॉलंटियर्स लगातार एक्टिव रहें, प्रशासन के साथ समन्वय में रहें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल मॉक ड्रिल भी किया गया है रांची पुलिस के द्वारा, आज फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा जो ये पर्व त्यौहार है, जो लगातार 3-4 दिन अभी कुछ न कुछ बड़े आयोजन होते रह रहे हैं, वो सारे के सारे आयोजन निर्विघ्न तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सभी लोगों के सहयोग से, समित समुदायों के सहयोग से संपन्न हो सके। सोशल मीडिया पर सर क्या है? सोशल मीडिया को लेकर के लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी इस प्रकार के वायलेशन के मामले आए हैं उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और कार्रवाई की गई है, तो कंटिन्यूस हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी तथ्य, किसी भी पिक्चर को देखते हैं जो कहीं ना कहीं अवांछनीय है, सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और कृपया करके बिना तथ्य का सत्यापन किए, बिना तस्वीर का सत्यापन किए उसको पोस्ट ना करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।